बात करेंगे क्रिकेट में रिटायर्ड आउट रूल के बारे में। अगर आपने संडे नाइट राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच देखा है तो अब तक रिटायर्ड आउट शब्द आपको पता चल गया होगा। क्रिकेट में ये रूल काफ़ी समय से है, लेकिन ये पहली बार आईपीएल में इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करने वाले थे रवि अश्विन। 28 रन यानी कि 28 ऑफ 23 बॉल्स में वो बैट कर रहे थे और अचानक दो छक्के भी मारे और अचानक वो ग्राउंड छोड़ के चले गए। अंपायर को कुछ बोला नहीं, ऑपोजिशन कैप्टन को कुछ बोला नहीं और साथ ही साथ रियान पराग आ गए। ये जो पूरी घटना हुई 19 ओवर में, ये क्यों हुआ? ये एक रूल है क्रिकेट में जो कि बैटिंग टीम यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बैट्समैन टायर्ड हो गए हैं, उनको लगता है कि इसके बाद उनसे एक्सेलरेशन नहीं हो पा रहा है, जो अगला बंदा है वो आके एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो वो ग्राउंड छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर उसने अंपायर को इन्फॉर्म नहीं किया हो, अपोजिशन कैप्टन को इन्फॉर्म नहीं किया हो, तो वो वापस नहीं आ सकते खेलने के लिए। ऐसे में रियान पराग ने लास्ट ओवर खेला राजस्थान रॉयल्स के लिए। आईसीसी रूल में क्या कहता है इसका हम रुख करते हैं। ये है रिटायर्ड आउट रूल। इट सेज अ बैट्समैन रिटायर्स आउट इफ ही रिटायर्स विदाउट द अंपायर्स परमिशन, डज नॉट हैव द परमिशन ऑफ द अपोजिंग कैप्टन टू रिज्यूम हिज इनिंग्स। इफ सच अ रिटर्न डज नॉट अकर, द बैट्समैन इज मार्क्ड रिटायर्ड आउट। और ये क्यों यूज़ किया जाता है बैटिंग टीम द्वारा? ये टैक्टिकल प्लॉय है उनके लिए रन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के लिए। रवि अश्विन के इस मूव से ट्विटर वर्स काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। 2019 में जब उन्होंने जॉस बटलर को मंकडिंग किया था, तब काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था रवि अश्विन को। लेकिन इस बार ट्विटर कह रहे हैं कि शायद अश्विन को ही ये पता था और क्योंकि उन्होंने ये यूज़ किया तो राजस्थान रॉयल्स को भी इससे फ़ायदा हुआ, राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली। रोहन गावस्कर, जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में काफ़ी कुछ पता है, उन्होंने ट्वीट किया, सरप्राइज इट टुक सो लॉन्ग फॉर इट टू हैपन इन T20। माइकल एपल्टन का कहना है रिटायर्ड आउट शुड बी नॉर्मलाइज। इयन बिशप, फॉर्मर वेस्ट इंडियन क्रिकेटर, उनका कहना है कि दिस रूल रिटायर्ड आउट इज़ कॉजिंग अस टू रीथिंक T20 टैक्टिक्स। काफ़ी सारे लोगों ने रवि अश्विन को प्रेज किया। कुमार संगकारा, जो कि टीम के कोच है, उन्होंने कहा कि उनके टीम मीटिंग में रिटायर्ड आउट के बारे में डिस्कशन हुई और रवि अश्विन को पता था कि अगर वो टीम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अगर एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वापस चले जाना होगा। ऐसे में उन्होंने तय किया इस रूल को यूज़ करने के लिए।